हेलो गाइस, ये एक छोटा कंप्रेसर है, ये इसके ब्लेड है, ये पंप जाम हो चुका था सारा। इसको हम धो रहे हैं डीजल से और पानी से, इसके बैरिंग ख़राब हो चुके हैं। इसको हम सारा धोने के बाद आपको फिट करके दिखाएंगे। पंप का सारा सामान जो धुल चुका है, अब इसको सुबह इसको साफ़ करके फिट करेंगे। इसकी सफाई हो चुकी है, नए बैरिंग डलने हैं इसके अंदर। ये फाइबर प्लेट है, ये भी साफ़ हो चुकी है, तकरीबन सारा साफ़ हो चुका है। इसको अब सुबह फिट करेंगे। जो ये मशीन है, ये प्रेस प्रिंटिंग मशीन की है, ये हवा सप्लाई करती है। इसमें यहाँ पे ब्लेड चलते हैं, इसको फिट करेंगे और आपको फिट करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी फिटिंग तकरीबन आधी हो चुकी है। इसका बाकी सामान जो है, ये इसका फिल्टर मिल नहीं रहा था, ये फिल्टर इसका मिला है, पर इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका पहला फिल्टर ये है, आप देख रहे हो, इसे जाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंद इसके अंदर फंसा हुआ था। अभी सारा हमने धो लिया था, ये फिल्टर भी इसका चेंज हो गया, सीले वगैरह चेंज हो गई हैं। इसकी जो ये स्टड वगैरह कस के आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। उसे प्रेस पेंटिंग मशीन जो होती है, कार्ड वगैरह बनाती है, उसमें लगता है ये प्रेशर, ये उसमें हवा देता है। आपको फिटिंग करके दिखाते हैं इसकी। तकरीबन ये फिट हो चुका है आधा, थोड़ा सा रह गया काम इसका, ये बोल्ट वगैरह रह गए हैं अंदर का, रूटर वगैरह इसका कस दिया है सारा। अब ये फ्री है बिल्कुल, अब देख रहे हो, जैसे ये अंदर से रूटर घूम रहा है सारा, बिल्कुल फ्री है। ये रूटर सारा जाम हो गया था, चल नहीं रहा था, इसके बैरिंग भी ख़राब हो गए थे, प्ले हो गई थी बैरिंगों में। अब इसका बाकी जो सामान है वो फिल्टर होने वाला रह गया है, जैसे कि आप देखो फिल्टर कप रह गया है, अभी इसकी पुली वगैरह रह गई है। आपको ये भी फिट करके दिखाते हैं सारा। अब ये फिट हो चुका है सारा सारा, आपको दिखा रहे हैं कि मतलब अब इसकी सिर्फ पुली रह गई है फिट होने वाली, और एक पाइप हो गया, एयर पाइप है जो, आपको फिट करके दिखाते हैं कंप्लीट। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हो, जब ये आया था ये बहुत जाम था, हिल नहीं रहा था बिल्कुल भी, अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। कंप्रेशर पंप है ये, प्रेस प्रिंटिंग के लिए जो मशीनों में लगते हैं, कार्ड वगैरह बनते हैं मशीनों में, प्रेस प्रिंटिंग में लगी है मशीन ये। आप देख सकते हो कौन सी कंपनी की है ये। आप रिपेयर करवा सकते हैं, रिपेयर करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं हमसे, हम आपको नंबर देंगे अपना, जो भी इसका आया काम जो हो चुका है इसका सारा। इधर से इसका ऑयल डलेगा, यहाँ से ऑयल जाएगा, और यहाँ पे इसके ऑयल का पता लग जाता है कितना ऑयल डल चुका है इसके अंदर। गाइस, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे।